एवरीवन, सब कैसे, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज का व्यू देखें कितना ही हसीन है, कितना प्यारा है माशाल्लाह। आज हम आए हैं किसी विलेज में, तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए आप जो व्लॉग को पूरा देखें और वीडियो पूरी वॉच करनी है, चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। आदिल भाई आपको थोड़ी देर में मिलेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट शूट मैंने करना था, उसके बाद आदिल भाई आएंगे। और कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना हसीन। मुझे इस दरख्त का नहीं पता ये कौन सा है, क्योंकि मुझे तकरीबन ही किसी का नहीं पता कि ये कौन कौन सा है। और आप सब ने ही आज मुझे बताना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कौन सा दरख्त कौन सा है। और ये गंदम का मुझे पता है, और बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता किसी भी दरख्त का। कल बोरी डाल के गई हूँ इसमें। चलो आंटी को डर लग रहा है, मेरे से पहले छलांग लगा दे। आंटी मुझे बता रही है, आंटी को पता है ज्यादा, तो मैंने कहा आंटी से पूछती हूँ क्या क्या चीजें लगी। आंटी ये गंदम है, ये साथ ये कंडे पड़े हैं, किक्कर के कंडे हैं, ये गंदम पक्के साथ फिर लोग काटेंगे। वो जो दरख्त लगे हैं वो सारे किस चीज के हैं? वो है अमरूदों का बाग। ये सारे अमरूद के बाग हैं? जी, ये सारे। और वो आगे वो जो लगे आम के बाग है, तो वहाँ से आम लेने चले। चलो चलो चलो। गन्ने हैं, अब इसका क्या किया? चूरा है, गन्नों का चूरा है, सीरा बना के गुड़ बनता है। अब ये इनके छिलके पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें से गन्ने वगैरह रस निकाल लिया? रस निकाल लिया, ये चूरा है गन्नों का ना। गंदे वो अपनी ट्राली पड़ी है, चले पहले हम ट्राली पे घूम के आते हैं। चलो। तो आंटी ये क्या चीज है? ये पुराना गड्ढा नहीं, ये मेरे बालों का टोट सा पड़ा। तो शी जाओ मैं पर हो, चल मेरे को कुछ और। अब भाई गन्ने दे दे, कि गन्ने की ट्राली तो आंटी ये क्या चीज़ है? पंजाबी बोलोगे मसला नहीं, पंजाबी ये हैगा गन्ने दा बेलना, ठीक है। इहदे विच गन्ने दा रस कढ़दे आ। ओ जिहड़ा वा ओ हैगा पुराने जमाने दा गड्ढा, सियाणे कहिंदे हुंदे आ पुराना पुराना गड्ढा नहीं, पुरानी बुढ़ी मज पुराना गड्ढा ना खरीदी सूर दे हड्डा। तो वो आंटी वो क्या चीज है? वो उन्होंने क्या बना? चुब्बा 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 लगाया है। गन्ने वाला बेलना, क्या क्या चीज़? ये पालक है, ये वाली सारी प्याज लगा है, ठीक है। प्याज कौन सा है इसमें? ये वाला तोड़ के बता। ये वाला प्याज है, वो पालक है। अच्छा, वो पालक है साथ ही सरसों खड़ी है। सरसों ये साग है जी। इसका क्या बनेगा फिर? इसका तेल बनेगा। अब इसको ये पकेंगी। अच्छा, ये सारी पकेंगी। ये पकेंगी हाँ। और ये इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये क्या इसमें गन्ने? ये क्या? यहाँ गन्नों का रस निकालती है। अच्छा, इसके बीच? हाँ, ये कढ़ाई है, इसमें गुड़ बनता है। वाह, सीरा डलता है। ये तो फिर हम यहाँ से ले सकते हैं? ये अभी फिलहाल इसके अंदर क्या है? अभी तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ये भी रस्सी खड़ा है। तो ये यहाँ पे आग जलाते होंगे? हाँ। वाह, इधर आग जलाते हैं, इधर बैठते। कितने गन्ने लिए यहाँ फिलहाल? तो क्या जितने लोग आंटी बस इतने नहीं देने भाई ने, एक दो की इजाजत दी है। एक तो लेने लगी हूँ ना, एक तो चलो एक तोड़ो। इतनी दूर आए हैं, ये मीठा भी होगा, चेक करके पता लगेगा। होगा। ये वाला ना आप ले लो, ये वाला मुझे दे। नहीं, ये मैं आगे से तोड़ूंगी ना। कौन सा विलेज है हमें तो नहीं पता, आप लोग देखें और हमें बताएं कि ये विलेज कौन सा है। अगर पानी पींदे है। ये क्या है? ये तला। इसमें पानी पीते हैं जानवर? जानवर पानी पीते हैं। ये तो खाला है ना, इसमें हम बचपन में बहुत नहाए थे, इसमें मैं नहाती होती थी आंटी किसी से मांगने में। माफ कर। Bye.
विलेज नहीं पार्क टाउन भी लोग आंटी अपना ये मुर्गी इशा मुर्गी ये क्या है ये पाथियां पाथियां आंटी ये क्या ये गोया बनाने वाला है केक कट किया जाता ये लैपटॉप है केक कटता है इधर गोया कटा करके फिर केक काट दे गोला के ये पाइप ये पाथियां कितने बेर टूटे मीठा भी बेर तेरा गन्ना खाएंगे एक ना मीठा बेर तेरा गन्ना रोज मैं भी खा के देखती हूँ चुप कर दे ये क्या इसको सो फाइनली घर वाले आ चुके हैं घर और आज का व्लॉग बाहर का था। आप सबने कमेंट्स में जरूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और मेरा बेटा देख रहा है हैरान हो रहा है कि ये क्या चीजें यूज करते हैं क्या चीजें यूज करते हैं ना। ये बेटा जो उनसे मेरा बहुत 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 अच्छा बेटा, सारे बच्चे जितने भी अच्छे ही होते हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस अभी जो उनसे हम चाय बना के पीने लगे हैं, चाय पीते हैं फिर बाकी बातें करते रहेंगे बाद में। सारे सर्दी आ गई है, सर्दी दोबारा से आ गई। सुबह यहाँ पे 6 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, 6 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी। तो हम जो उनसे मैं तो आज भाई लेट उठा था, साफ और सीधी बात ऐसे ठीक है। आदिल को पता ही नहीं था कि आज बारिश हुई है। मैं उठा था आज लेट लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि भाई सुबह बारिश हुई है काफी ज्यादा। मैंने कहा अच्छा, तो अभी जो उनसा माहौल ऐसा बना हुआ है कि काफी ज्यादा सर्दी है। आप काके को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, आप काके को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इसको दो दो तीन तीन कंबल में हमने ब्लैंकेट्स में लपेटा हुआ है। तो अभी हम पीने लगे चाय, बाकी बातें सारी जिंदगी बड़ी करते रहेंगे यार। बाहर शोर लगाया हुआ, आज बारिश होगी आज बारिश होगी। मौसम अच्छा होगा ना, बच्चों को बहुत पसंद है बारिश लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ना यार इस तरह नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, कोई बात नहीं। इसलिए पसंद क्योंकि लाइट चली जाती है, मैंने इतनी बार बताया। तो लाइट अगर हो तो फिर तो बारिश पसंद है ना, फिर पसंद है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं लाइट हम यूपीएस चलता है हमारा, हर चीज है। तो फिर चाय जी हमारी बन रही है, व्लॉग चाय के बिना अधूरा है। देखी कोई ऐसे किसी ने ना कैम मोबाइल से ही निकल के मुक्का मार रहा नाक पे ड्रोन, वो करेंगे पसंद नहीं है। जिनके फेवरेट है तो वो तो जरूर हमारे साथ ही चाय करते होंगे, ये व्लॉग देखते हुए चाय चाय करते होंगे। सही बात है, हमारी आ चुकी है और सेम कल वाली जगह पे चाय पड़ी है। इंशाल्लाह जी अभी हम चलते हैं, हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।